你的牌。ग्राम पंचायत धर्मपुर है, मेरा नाम मोहन अली है। क्या हुआ हादसा आपके यहाँ भेड़िया का, क्योंकि पास के जिले में बैठा है? क्या शाम के टाइम जो है बच्चे अपने घर से निकल रहे थे, टहल रहे थे, उस टाइम जो है सामने नदी है, नदी के किनारे से वो आया, उन पे हमला कर दिया। लगभग कितने बच्चे घायल हो? 4-5 लोग जो है घायल हो गए। और आसपास की कोई महिला भी सुना है कि इस नर्सरी के में जो है एक महिला की जो है गर्दन काट के उसकी मृत्यु हो गई? क्या आप लोगों ने ये बात जिला प्रशासन तक पहुंचाई? वन विभाग को फोन किया था, कोई भी आया तो है नहीं। क्या कोई बात और इस बच्चों की कैसी स्थिति है अभी समय? बच्चों को जो सरकारी अस्पताल ले गए थे वहाँ जो रेफर कर दिया था सीतापुर से रेफर किया लखनऊ ले गए थे, वहाँ से फिर चले। तो कहीं निशान दिखे तो बताओ। वो छोटा है, इधर है वो छोटा है। तो लेडी की जो बुढ़ी अम्मा थी वो 80 साल उनकी लगभग एज थी और गांव के बाहर रहती थी। उनकी 3 दिन पहले शायद डेथ की सूचना जो हमें मिली है, और वो गांव के बाहर ही रहती थी। गांव वालों से भी कुछ बात हुई तो वो शायद गांव से बाहर ही रहती थी। और जो यहाँ पे पगमार्स और ये जो हमें पगचिन्ह मिले हैं जानवर के, जैसा कि बताया गया जानवर के थ्रू अटैक हुआ है, तो यहाँ पे पगमार्स का साइज है उसके जो प्रथम दृष्टिया लग रहा है वो सीआर है, जो अपनी भाषा में बोलते हैं जयकाल का। तो इसमें भेड़िए की पुष्टि तो नहीं की जा सकती क्योंकि उसके साइज कंपेरेटिवली जो बड़े होते हैं उससे, उतने साइज के हमें पगमार्स यहाँ पे कहीं पे भी नहीं मिले हैं। बाकी एहतियात के तहत हमारी वन विभाग की टीम पूरे क्षेत्र में घूमती रहेगी, गश्त करती रहेगी, कॉम्बिंग करती रहेगी, क्योंकि बगल के जिलों में ऐसी सूचना है। तो हम एहतियात के तहत हमारे सारे रेंजों, जैसे बिस्वा रेंज लगती है, महमूदाबाद रेंज लगती है, वो सारे लोग एक्टिव रहेंगे। और ऐसा हम गांव वालों से भी अनुरोध करेंगे, अगर ऐसी कभी भी सूचना कुछ भी इससे रिलेटेड आती है आप लोग वन विभाग को तत्काल सूचित करें और उचित कार्रवाई तत्काल की जाए। थैंक यू।